भाजपा ने आपसे बहुत वादे किए थे पिछले चुनाव में। आपसे कहा था कि 25 लाख रोजगार आपको मिलेंगे, क्या वो रोजगार मिले? नहीं मिले। क्या उस पे उन्हें दुख नहीं हुआ कि उन्होंने वादा किया था कि आपकी दिहाड़ी 350 रुपए की होगी और आज तक आपको 350 रुपए नहीं मिले हैं? आप महिला हैं, मेरी तरह माँ भी होंगे, आप ऐसे नौजवान लड़कियां होंगी जो अपना भविष्य बना रही हैं। मैं दिल से आपके सामने कुछ चीज़ें कहना चाहती हूँ, आपको दिल से कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। देखिए, चाय के बगानों में उन्होंने कहा था तमाम सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन जिन महिलाओं से मैं मिली उन्होंने मुझे कहा कि ना चिकित्सा की सुविधा है। एक महिला ने मुझे बताया कि एक दिन की दिहाड़ी नहीं मिलती तो परिवार में कोई ना कोई सदस्य भूखा सोता है। उस समय आपको कहा था एक असमिया मुख्यमंत्री मिलेंगे, आज उसी मुख्यमंत्री को उन्होंने दुर्बल बना लिया है। हो सकता है कि कांग्रेस से भी कुछ गलतियां हुई, लेकिन विकास तो हुआ था असम का, आपकी संस्कृति तो बचाई गई थी। कि कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम गारंटी करते हैं कि ये काम हम आपके लिए करेंगे, हम 5 लाख रोजगार देने का दावा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि एक ऐसा दावा है जिसे हम पूरा कर सकते हैं। एक और गारंटी ये है कि जो टी ट्राइब्स के मेरे भाई बहन हैं उसके लिए हम कह रहे हैं कि हम दिहाड़ी 365 रुपए की करेंगे, और ये हमारा मेरा अपना वादा है आपको कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको कराएंगे। जय अखम, जय अखम, जय अखम। श्री जितेंद्र सिंह जी, श्री गौरव गोगोई जी, श्री दीप गोगोई जी, मेरे साथी श्री राणा गोस्वामी जी जिन्होंने 2 सालों से मेरे साथ उत्तर प्रदेश में काम किया है, और मंच पे उपस्थित सभी कांग्रेस के नेतागण, मेरी प्यारी प्यारी बहनों और भाइयों, आपका इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा इंतज़ार किया। मैं पिछली बार जब असम आई तो मुझे जो चाय के बगान में काम करती हैं अपनी बहनों से मुलाकात करने का मौका मिला। मुझे आज बहुत खुशी है कि यहाँ पे तमाम मेरी बहनें बैठी हैं और मुझे महिलाएं ज़्यादा दिख रही हैं, पुरुष कम। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब उस चाय के बगान में मैं गई और मैंने अपनी बहनों से बातें की तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली जो मैं पहले नहीं जानती थी। देखिए, असम की जो संस्कृति है, आपकी जो अस्मिता है, जिसके बारे में जो भी नेता आता है आपके सामने बात करता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का नेता है, चाहे वो भाजपा का नेता है, हम सब यहाँ आकर आपको बड़े बड़े भाषण देते हैं और हम कहते हैं कि आपकी संस्कृति को बचाने वाले हम हैं। लेकिन उस चाय के बगान में जब मैं गई और मैं अपनी बहनों से मिली तो मुझे यह एहसास हुआ कि आपकी संस्कृति की रखवाली मेरे सामने बैठी हुई थी। जो चाय के बगानों में महिलाएं काम करती हैं, जो महिलाएं दिन भर मजदूरी करती हैं, जो घर गृहस्थी संभालती हैं, जो बाहर जाके प्रोफेशनल काम करती हैं, वही महिलाएं असम की माँ हैं, वही महिलाएं असम की बेटियां हैं, और वही महिलाएं असमिया संस्कृति को की रखवाली करने वाली हैं। मैं जब घर गई तो फिर मौका मिला
कि दोबारा असम आना है चुनाव के लिए, तो मैंने सोचा मैं कुछ भाषण सुन लूं, देख लूं कि दूसरी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं। तो कल मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण देख रही थी और बड़ी गंभीरता से प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, जो भाषण में उपस्थित लोग थे उनको बता रहे थे कि मैं आपसे एक बहुत बड़ा दुख, मेरे मन में जो एक बहुत बड़ा दुख है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा कि बहुत गंभीर बात होगी, असम की विकास की बात होगी, जो काम हो रहा है भाजपा के सरकार ने कुछ किया होगा उसकी बात होगी, लेकिन मैं हैरान हुई कि अगले शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक 22 साल की महिला ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट के बारे में वो चर्चा कर रहे थे और वो बहुत गंभीरता से ये बात कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया है जिससे दुनिया में चाय समाप्त हो जाए। अब आप सोच सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी छोटी सी बात पर, किसी एक 22 साल की लड़की के ट्वीट पर इतना दुख हुआ, उनको ये दुख हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पे दो गलत फोटो डाल दी, बहुत दुख हुआ उन्हें, लेकिन जब यहां पे बाढ़ आई तो उनको दुख क्यों नहीं हुआ? जब यहां पे सीएए का आंदोलन चला, असम में आग लगी, तो प्रधानमंत्री जी को दुख क्यों नहीं हुआ? तब वो आपके सामने क्यों नहीं आए? तब उन्होंने अपना दुख व्यक्त क्यों नहीं किया? जब तमाम वादे किए उन्होंने पिछले चुनाव में और एक एक करके एक एक करके एक एक करके सारे वादे तोड़े, तब उनको क्यों दुख नहीं हुआ? क्या वो किसी चाय के बगान में गए हैं? क्या वहां मेरी बहनों से मिले हैं? क्या मेरी बहनों की उंगलियों पे जो छाले हैं, जो ये चमड़ी सख्त हो चुकी है काम करते करते, पत्तियां छीलते छीलते, क्या उन्होंने देखी हैं? क्या उस पे उन्हें दुख नहीं हुआ कि उन्होंने वादा किया था कि आपकी दिहाड़ी 350 रुपए की होगी और आज तक आपको 350 रुपए नहीं मिले हैं? तो मुझे ऐसा लगा कि मैं चुनाव की सभा में आऊंगी तो मुझे आपको बड़े बड़े भाषण नहीं देने, आप महिला हैं, मेरी तरह माँ भी होंगे, आप में से नौजवान लड़कियां होंगी जो अपना भविष्य बना रही हैं, मैं दिल से आपके सामने कुछ चीज़ें कहना चाहती हूँ, आपको दिल से कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। देखिए, समाज का सबसे बड़ा बोझ आप उठाती हैं। एक महिला चाहे बड़े से बड़े परिवार की हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे खुद एक उद्योगपति हो, हमेशा समाज का बोझ उठाती है। उस पर ये बोझ आता है या ये जिम्मेदारी आती है कि घर भी चलाए, गृहस्थी भी चलाए, बच्चों की परवरिश करे, परिवार में जितने भी सदस्य हैं उसे खुश रखे, ये सब उसकी जिम्मेदारी होती है। इसके साथ साथ वो मजदूरी भी करती है, काम भी करती है, कमाती भी है। तो मैं चाहती हूँ कि आपसे जब मैं बात करूँ तो मैं सिर्फ सच्चाई बोलूँ, और जिस सच्चाई से आप गुजर रहे हैं, जो असम में आज हो रहा है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँ। तो देखिए, भाजपा ने आपसे बहुत वादे किए थे पिछले चुनाव में, आपसे कहा था कि 25 लाख रोजगार आपको मिलेंगे, क्या वो रोजगार मिले? नहीं मिले। जाति, भाटी और बेटी की रक्षा करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली। उन्होंने कहा था कि असम अकॉर्ड में जो खंड 6 है,
जिससे आपकी संस्कृति सुरक्षित रहती है उसको लागू करेंगे, उसे भी लागू नहीं किया। उन्होंने कहा था CAA लागू नहीं करेंगे, लेकिन सत्ता में आते ही CAA लागू करने की बात की। चाय के बगानों में उन्होंने कहा था तमाम सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन जिन महिलाओं से मैं मिली उन्होंने मुझे कहा कि ना चिकित्सा की सुविधा है, ना टॉयलेट की सुविधा है, ना उनकी दिहाड़ी बढ़ाई गई है। एक महिला ने मुझे बताया कि एक दिन की दिहाड़ी नहीं मिलती तो परिवार में कोई ना कोई सदस्य भूखा सोता है। तो ये सच्चाई है आपके सामने, और इस सच्चाई के पीछे जो राजनीति है उसने आपको वादा किया था कि आपको जो मुख्यमंत्री मिलेगा, असमिया मुख्यमंत्री मिलेगा, आपकी सरकार असम के लिए असम से चलाई जाएगी। नतीजा क्या निकला? असम के दो दो मुख्यमंत्री चल रहे हैं। असम की सरकार असम से नहीं चल रही है, दिल्ली से चल रही है। यहां तक कि असम गण परिषद को भी मान लो दिल्ली गण परिषद बना रखा है, बगैर दिल्ली के परमिशन के, बगैर दिल्ली से पूछने कुछ नहीं होता। उस समय आपको कहा था एक असमिया मुख्यमंत्री मिलेंगे, आज उसी मुख्यमंत्री को उन्होंने दुर्बल बना लिया है। आज आपके सामने आकर क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने कल कि आपको दो दो इंजन की सरकार मिलेगी, दो दो मुख्यमंत्री, दो दो इंजन की सरकार। भगवान ही आपको बचाए इन लोगों से, क्या पता कौन सा इंजन कौन से ईंधन से चलेगा, यहां से चलेगा, वहां से चलेगा, दिल्ली से चलेगा। तो जो राजनीति होती है उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद यही होता है कि आपके लिए जो सुविधाएं हैं, आपकी विकास की बातें हों, आपके भविष्य को मजबूत बनाने की बातें हों। अब जो जो आता है, जैसे मैंने पहले कहा संस्कृति की बात करता है। कल प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने असम की संस्कृति का अपमान किया है और इसके लिए असम की जनता उसे कभी माफ नहीं कर सकती। देखिए तरुण गोगोई जी कांग्रेस के नेता थे, उनके कण कण में कांग्रेस था और उनके रगों में असमिया संस्कृति और असमिया गर्व दौड़ता था। क्या ऐसे कहते हुए प्रधानमंत्री जी ने यह नहीं सोचा कि हमारे सबसे बड़े नेता तरुण गोगोई जी जो असम के लिए समर्पित रहे उनका अपमान कर रहे थे? उनके गुजर जाने के बाद इस तरह की बातें करना क्या सभ्य है? एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यहां आए तो उन्होंने महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी के बारे में गलत तरह से जिक्र किया, उनका इतना भी आदर नहीं किया कि वो जाने कि श्रीमंत शंकर देव जी ने अपने जीवन में असम के लिए क्या किया। अब जितनी भी इनकी नीतियां हैं वो असम के लिए नहीं है, केंद्र के लिए है, दिल्ली को मजबूत बनाने के लिए है और अपने जो उद्योगपति मित्र हैं उनको मजबूत बनाने के लिए है। यहां की महान विभूति लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई जी के नाम पर सरकारी पैसों से बनाया गया एयरपोर्ट आज उनके उद्योगपति मित्र को दिया जा रहा है। आपकी जो भी संपत्ति है वो सब इनके ही दो तीन उद्योगपति मित्रों को सौंपी जा रही है। आपको मालूम होगा कि काजीरंगा के पास एक एलिफेंट रिजर्व से लगी हुई जमीन भी एक अपने खरबपति मित्र को देने जा रहे थे, वे भी असम के नहीं हैं। असम के बारे में उनको कुछ नहीं मालूम,
लेकिन आपकी जमीन उनको सौंपी जा रही है। एआईसीबी को प्राइवेट करने की योजना है, वो भी किसी बड़े उद्योगपति को सौंपी जाएगी। ना गांव में भाजपा ने अपने एक खरबपति मित्र को किसानों की जमीन छीन कर देने की कोशिश की। जब असम की जनता ने विरोध किया तो महिलाओं पे लाठियां बरसाई, एक गर्भवती महिला को पीटा, किसानों को जेल में डाल दिया गया। सब कुछ सिर्फ उस बाहरी उद्योगपति मित्र को मदद करने के लिए किया। क्या यह असम की संपत्ति को बचाने का काम है? आपको याद होगा, भाजपा सरकार अपने बाहरी खरपति मित्रों को आपकी जमीन देने की एक ऑर्डिनेंस लेके आए थे। उसमें लिखा था कि उनको यहाँ की जमीन लेने के लिए कोई परमिशन, कोई क्लियरेंस, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार ने आपको भूमि अधिकरण कानून दिया और छठी अनुसूची देकर आपकी जमीनों की सुरक्षा की। आज भाजपा सरकार की लूट का आलम यह है कि जमीन छोड़िए, एयरपोर्ट छोड़िए, रिफाइनरियां छोड़िए, आपके चिड़ियाघरों के ब्लैक पैंथर भी अपने उद्योगपति मित्रों के बेटों के लिए यहां से भिजवाए जा रहे हैं। कुछ नहीं छोड़ा है इन लोगों ने और अभी लंबी लिस्ट बना रखी है। नुमालीगढ़ की रिफाइनरी भी बेचना चाह रहे हैं। एक तरफ सीए से आपकी संस्कृति को बर्बाद करना चाह रहे हैं, आपकी संस्कृति पर हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी जमीनें, आपकी संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेची जा रही है। असम के लोगों ने जब सीए का विरोध किया तो श्री जुबिन गर्ग जी के गीत से भाजपा को कहा था, पॉलिटिक्स नो कोरिबा बंधु। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्होंने हर चीज में पॉलिटिक्स की है। असम के साथ एक ऐसी पॉलिटिक्स की है जिससे असम का विकास रुक गया। जो जो उन्होंने कहा था कुछ नहीं किया, उसके बजाय उन्होंने सबसे धोखा किया। युवाओं से धोखा किया, 25 लाख नौकरियां देंगे कहकर, 3 लाख सरकारी पद अभी भी खाली हैं। असम में 40 लाख बेरोजगार बच्चे हैं। असम का हर छठा बीए बेरोजगार है और हर दसवां एमए बेरोजगार है। आप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, किस लिए? कि एक दिन रोजगार मिलेगा, भविष्य बनेगा। और ये बेचारे बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेहनत करते हैं, सरकार उनके लिए कोई सुविधा नहीं करती। भर्तियों में भी बड़े से बड़े स्कैम, एसआई स्कैम, पीएनआरडी स्कैम, लाखों युवाओं के भविष्य खराब हुए हैं। असम के युवा को दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर काम के लिए जाना पड़ता है। वहां पर भी जो भाजपाई विचारधारा के लोग हैं उन्हें ठीक तरह से सम्मान नहीं देते, उनका अपमान करते हैं। आपको ये मांगना चाहिए, जो भी नेता आपके सामने आए, आपको कोई मुफ्त का टू व्हीलर नहीं चाहिए, आपको नौकरी मांगनी चाहिए, रोजगार मांगना चाहिए, अपना विकास मांगना चाहिए, अपना भविष्य मांगना चाहिए। आपको किसी की चंदा नहीं चाहिए, आप अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये चुनाव आपकी आत्मसम्मान की बात है। जिस तरह से युवाओं को धोखा दिया है, उसी तरह से चाय के बगान के श्रमिकों को धोखा दिया है। कहा था टी ट्राइब्स को एक अलग दर्जा देंगे, नहीं दिया। जमीन के पट्टे देंगे, वो भी नहीं दिए। जैसे मैंने पहले कहा, 350 की दिहाड़ी देनी थी, वो भी नहीं दी। अब चुनाव आ रहा है, कुछ हफ्ते पहले थोड़ी सी बढ़ा दी, ये दिखाने के लिए कि हम कुछ करेंगे आपके लिए। तो जब ये आपके सामने आकर इतने बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आपका भविष्य बनाएंगे, हम विकास कराएंगे,
तो आप इनमें विश्वास कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपका अनुभव रहा है, आपने देखा है 5 सालों में क्या किया गया आपके लिए। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब तरुण गोगोई जी की सरकार थी, हो सकता है कि कांग्रेस से भी कुछ गलतियां हुई, लेकिन विकास तो हुआ था असम का, आपकी संस्कृति तो बचाई गई थी, कोई सीए जैसा कानून तो नहीं थोपा गया था आप पे। तो आप मेरी बहनें हैं, आपके सामने खड़े होकर सिर्फ ये कहना चाहती हूं, अपने जीवन की परिस्थिति आपसे अच्छी तरह से कोई नहीं जानता, मैं नहीं जानती, मेरे साथ बैठे हुए नेता भी शायद इस तरह से नहीं जानते होंगे जिस तरह से आप जानते हैं। रोज आप उस सच्चाई का सामना करते हैं। तो जब आप निर्णय लेने जाएंगे, बहुत सोच समझ के लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में एक अच्छा काम किया है। चुनाव से पहले आपके बीच हमारे पार्टी के नेता आए, पूरे असम में घूमे और जो आपकी मांगें थी, जो आपकी समस्याएं थी, उनको समझने की उन्होंने कोशिश की। उसमें से उनको ये लगा कि 5 ऐसी चीजें हैं जो अगर आपके लिए आप कर पाएं जब सरकार में आए तो आपको बहुत सुविधा होगी। तो कांग्रेस ने इस चुनाव में 5 गारंटी तय की हैं, ये वादे नहीं हैं, ये खोखले वादे नहीं हैं, ये झूठ नहीं है, ये 5 गारंटी हैं कि कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम गारंटी करते हैं कि ये काम हम आपके लिए करेंगे। क्या है ये 5 गारंटी? सबसे पहले तो रोजगार की बात है। हम 25 लाख रोजगार का दावा नहीं कर रहे हैं, हम 5 लाख रोजगार देने का दावा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि एक ऐसा दावा है जिसे हम पूरा कर सकते हैं, ये खोखला नहीं है। हम भी कह सकते थे 25 लाख करेंगे, लेकिन हम वो कह रहे हैं जो हम करके दिखाएंगे। हम कह रहे हैं कि किसी भी हालत में असम में सीएए लागू नहीं होने देंगे, कि किसी भी हालत में असम की संस्कृति पर आंच नहीं आने देंगे, कि जैसे कांग्रेस पार्टी के शासन में आपको हमेशा एक अहमिया मुख्यमंत्री मिला है, उसी तरह से कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपको फिर से एक अहमिया मुख्यमंत्री मिलेंगे। जो चौथी गारंटी को पूरा करेगा, चौथी गारंटी यह है कि हर महीने आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इससे कम से कम 1200 रुपए का बचाव आपका होगा, तो हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी आपको। एक और गारंटी यह है कि जो टी ट्राइब्स के मेरे भाई बहन हैं, उसके लिए हम कह रहे हैं कि हम दिहाड़ी 365 रुपए की करेंगे, और ये हमारा मेरा अपना वादा है आपको कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको कराएंगे। 5वां गारंटी, आखिरी गारंटी है, लेकिन मेरी बहनें ध्यान से सुने क्योंकि इसमें आपका सम्मान जुड़ा हुआ है। आप गृहस्थ हैं और जो काम आप करती हैं, जो महिला घर पे रहकर सारा काम करती है, बच्चों को बड़ा करती है, मेहनत करती है, उसकी समाज में बहुत कम पहचान है। समाज छोड़िए, सरकार कम पहचानती है। हम चाहते हैं कि आपको अपना सम्मान मिले, अपना पहचान मिले, कि जो गृहस्थ महिलाएं हैं उनको 2000 रुपए हर महीने उनके खाते में कांग्रेस की सरकार डायरेक्ट डालेगी, महिलाओं के खाते में ये पैसे आएंगे, ताकि आप बचाव कर सकती हैं,
आप अपने पैरों पे खड़े हो सकती हैं और आपने अपने परिवार के लिए आप भी घर में जो काम है उसको भी करते हुए कुछ कमा सकती हैं। तो ये हमारी 5 गारंटी है जो हमें आशा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इन पर पूरी तरह से खड़े उतरेंगे। अब राणा गोस्वामी जी के बारे में मैं एक बात कहना चाहती हूँ। राणा जी ने मेरे साथ उत्तर प्रदेश में काम किया, शायद पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की प्रभारी हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए। तो शुरू शुरू में जब काम करना शुरू किया तो राणा जी सब मीटिंग में आते थे, बहुत मेहनत करते थे और मुझे लगा बहुत मेहनती इंसान है। फिर थोड़े समय बाद मैं मीटिंग में आना बंद, तो मैंने पूछा राणा जी कहाँ है, और हर बार मुझे एक ही जवाब मिला, राणा जी तो जोरहट में है, असम में है। तो आस्ते आस्ते मुझे पता चलने लगा कि राणा जी का दिल जोरहट में है। फिर मैं मजाक करती थी उनके साथ कि राणा जी उत्तर प्रदेश में जोरहट में है, हमेशा कहते थे दीदी जोरहट में घर है, मैं जोरहट में ही काम करूंगा। तो मैंने पता लगाया कि जोरहट में काम हो रहा है कि नहीं, तो मुझे पता चला कि खूब मेहनत से, खूब निष्ठा से, खूब समर्पण के साथ राणा जी आपके लिए समर्पित रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत खुशी हुई कि जहाँ उनका दिल है वहीं उनकी कर्म भूमि है और आज यहीं से वे चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ अपने अनुभव से आपको छोड़कर राणा गोस्वामी जी प्रियंका गांधी के पास भी नहीं आएंगे। सबसे पहले राणा जी के लिए जोरहट की जनता है, जोरहट की भाई हैं, जोरहट की बहनें हैं। तो मैं आज इस मंच पर खड़ी हूँ इनके साथ, मैं आपसे कहने आई हूँ कि इनको जिताइए, क्योंकि इनको जिताने से आपको ईमानदार प्रतिनिधित्व मिलेगा, सच्चाई की राजनीति मिलेगी, कि आपके विकास के लिए काम करेंगे, आपकी समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं और अपने दिल में रखते हैं और सबसे पहले उन्हीं को महत्वपूर्ण रखते हैं। तो आप सब ने इतनी ध्यान से मेरी बातें सुनी, जब वोट डालने जाएंगे तब मेरी बातें याद रखना, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ये बातें नहीं कह रही हूँ, मेरी पार्टी है, मुझे प्यार है अपनी पार्टी से, लेकिन मैं आपके पक्ष में ये कह रही हूँ कि ये आपका भविष्य है, आपके हाथों में है। आप कांग्रेस पार्टी को सरकार में लाएंगे तो आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा, अगर कांग्रेस पार्टी को नहीं जिताएंगे और एक ऐसी फिर से सरकार लाएंगे जो कहीं रिमोट कंट्रोल से चल रही है, जिसके नेता आपके सामने सिर्फ चुनाव के वक्त दिखते हैं, दुख के वक्त नहीं दिखते, तो आप ही का नुकसान होगा। तो मेरी बातें याद रखिए, आप सब ने बहुत बहुत प्यार दिया, इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद।